अकोला के संभ्रांत क्रमांक 2 में भारत नगर। यहाँ नागरिक पिछले कई सालों से रास्ते और नालियों की सुविधा से वंचित थे, इसलिए उन्हें बहुत तकलीफ बर्दाश्त करना पड़ रहा था। इन सभी समस्याओं को लेकर सुमैया अली राष्ट्रीय अध्यक्ष नारी शक्ति सेवा फाउंडेशन, उन्होंने अकोला मनपा प्रशासन, जिला अधिकारी और नगर विकास मंत्रालय तक पाठ पुरावा करके रास्ते और नालियों के काम करने में सफलता प्राप्त की है। आज ये जो प्रभाग क्रमांक 1 में आपका सत्कार किया है नौजवानों ने और यहाँ की महिलाओं ने और नागरिकों ने, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है और ये सत्कार किस बारे में किया गया? मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है जनता का इतना सारा प्यार और सपोर्ट देखकर, और ये बताते हुए भी बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि हमारा जो प्रभाग क्रमांक 1 भारत नगर का नाम रखा गया है, ये हमारे महान देश भारत के ऊपर इसका नाम रखा गया है। और इधर चार नगर सेवक होने के बाद इन लोगों ने इस भारत नगर बहुत गलतियाँ हालत कर दिए थे, पूरी तरीके से सड़ा दिए थे, और ये सब चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने नारी शक्ति सेवा फाउंडेशन के माध्यम से नगर विकास मंत्रालय से करोड़ रुपए के साथ इस भारत नगर में लेकर आए और पूरा विकास कम्प्लीट करवाया। और इसी प्रकार से पूरे नगर विकास मंत्रालय, मनपा प्रशासन और हमारी पूरी जनता का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि इन लोगों ने हम लोगों का सपोर्ट किया बताया कि नगर सेवकों ने यहाँ पर कुछ नहीं किया जी। लेकिन कुछ नगर सेवक तो आमदार की टिकट मांग रहे हैं और वो आमदारी के सपने देख रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, वो नगर सेवक जो आमदारी के टिकट मांग रहे हैं, मैं उनके लिए इतना ही बोलना चाहूंगी और आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप एक बार प्रभाग क्रमांक 1 भारत नगर में आके विजिट करें और नगर सेवकों की पोजीशन देखें कि एरिया में उनकी पोजीशन क्या है, कि अगर उनके नेताओं को ये सारी चीज़ें प्रभाग में उनकी पोजीशन पता चले तो उनके नेता लोग उनके साथ फोटो निकालना भी पसंद ना करें। मतलब इतनी बुरी हालत है उनकी वार्डों में, बहुत बुरी पोजीशन है, बहुत ज़्यादा बुरी। तो चलो, आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपका सत्कार किया नागरिकों ने, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और एक चीज़ और बताना चाहूँगी मैं कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं सभी लोगों को बोलना चाहूँगी कि एजुकेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, कलम की जो ताकत है, कलम सबसे बड़ा हथियार है हमारी ज़िंदगी में। तो मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग भी एजुकेशन का नॉलेज लें, कॉन्स्टिट्यूशन कायदे का नॉलेज रखें, क्योंकि अगर आप लोग पढ़े लिखे, आपके पास कायदे कानून की मालूमात है, तो आपको ना इलेक्शन लड़ने की ज़रूरत है ना चुनकर आने की ज़रूरत है। आपको अगर कायदे का नॉलेज है तो आप आपकी कलम के बेस पर भी सारे कामों को अंजाम